डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ शहर को स्वच्छ वातावरण व शुद्ध हवा देने के केंद्र बिंदु सूरजकुंड पार्क के सौंदर्यकरण के लिए आज शहर के तमाम पर्यावरण प्रेमियों के साथ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, स्कूली बच्चे एकजुट हुए। सभी ने संकल्प लिया कि केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे न रहकर पार्क को स्वच्छ व उचित रखरखाव में हम सभी को जागरूक होना होगा। इस मौके पर पार्क के सौंदर्यकरण को लेकर के भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसरे संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्लब 60 जैसी तमाम संस्थाओं ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस पर आज सुबह 7 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम को फर्स्ट बाइट और TV के कैमरे ने कुछ इस तरह से कवर किया, देखिए। संपन्न कराने में अपनी भूमिका अदा की, प्लीज वृक्षारोपण कराने वाली टीम। इस मौके पर मौजूद प्रदेश ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर ने यह कहा, भारत माता की जय। मैं सबसे पहले अपने आईसरे से उस समिति है जो कई समितियों से मिलकर बनी है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने सभी सम्मानित और प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर बुलाने का जो काम किया वास्तव में बधाई के पात्र। मैं सबसे पहले मेरठ के सभी देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से नगर निगम के सभासद से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक आपने प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे इस मेरठ के प्रथम नागरिक और वास्तव में महापौर बनने के बाद जो पिछले 5 साल का समय हम लोगों से विकास का जो पहिया नहीं घूम पाया था, मुझे खुशी है कि हरिकांत अहलूवालिया जी के बनने के बाद वो जिस प्रकार से मेरठ के लिए काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, और जहां भी आवश्यकता होती है लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी बात सुनते भी हैं, और विकास को आगे बढ़ाने का काम हम लोग हरिकांत जी के नेतृत्व में मेरठ के अंदर कर रहे हैं। मैं हरिकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि सड़कें बने और 3 महीने के बाद ही वो टूटनी शुरू हो जाती थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा हरिकांत जी को कि व्हाइट टॉपिंग की मदद से लगभग 20 से 25 साल अब जो भी सड़क बनेगी वो 20 से 25 साल चलेगी, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र। मैं आदरणीय हमारे अभिभावक और जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है ऐसे आदरणीय विनोद भारती जी, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अधिकारी एक व्यवहारिक और विजनरी ऑफिसर के रूप में हमारे राजेश जी यहाँ पर है, मैं उनका भी धन्यवाद करते हुए आदरणीय ज्ञानेंद्र जी भाई साहब, अशोक कुमार गोयल जी, जसवंत शर्मा जी, हमारे आदरणीय देवेंद्र मोहन जी, भाई विपुल सिंगल जी, और क्लब 60 के हमारे दोनों पुरोधा, वास्तव में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब मेरठ का जिक्र करें और क्लब 60 का नाम आए तो आदरणीय महेश रस्तोगी जी और हरी बिश्नोई जी, मैं तो इनसे यही निवेदन करता हूं कि आपने जैसे
अपने वाले पार्क को किया है और उन्होंने कहा भी कि हम लोग की इच्छा है कि हम पूरे मेरठ के पार्कों को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाएं। तो मैं भी निवेदन करूंगा कि हम हो चाहे हरिकांत जी भाई साहब हो, हमारा पूरा आपके साथ सहयोग है। आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे हम लोग आपके साथ मिलकर इस अभियान में आगे जुड़ेंगे। मैं सभी अपने सम्मानित पार्षद जो निगम नगर निगम के यहाँ पर हैं और वो सभी महत्वपूर्ण लोग देखिए जो यहाँ पर 7:30 बजे आए हैं, वास्तव में उनके अंदर ये पीड़ा है या कुछ करने की ललक है कि वो मेरठ के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सभी यहाँ पर आए हैं और मैं द एवेन्यू पब्लिक स्कूल के सभी हमारे एनसीसी के कैडेट्स सभी वो बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने यह कहा। हमारे आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विनोद भारती जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका इस पार्क के विषय में थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन हुआ है और हमारे बहुत ही हमारे मेरठ दक्षिण के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और जो कि नगर निगम में भी अनेक विषय ऐसे हैं जिस पर वो उनका पूरा सहयोग हमारे लिए रहता है। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नागरिकगण मातृशक्ति, ये जो विषय इस सूरज कुंड पार्क का जो मेरे सामने, मैं इस विषय में आपको बताना चाहूंगा कि इस पार्क के लिए इसको एक आदर्श पार्क बनाने के लिए और यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहे उसके लिए जो मेरा पहला कार्यकाल था 2012 से 2017 तक ये पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ये विषय बता रहा हूँ मैं आपको 2013 का, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो इस पार्क में बहुत सारी डिस्टरबेंसेस थी, बहुत से असामाजिक तत्व इस पार्क में घूमते थे और मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छे परिवार के सदस्य सम्मानित नागरिक और खास तौर पे हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आने से बसती थी। सबसे पहले जो एमडीए बीसी थे उस समय उनसे हमने ये पार्क कहा कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में है, हमने उनसे ये पार्क लिया और फिर इसके डेवलपमेंट और विकास के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए नगर निगम ने अपना योगदान शुरू करा था। एक यहाँ का बहुत मुख्य विषय था उस समय हमारे युग पुरुष महापुरुष परम श्रद्धे विवेकानंद जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर हमारे कार्यकाल में हमारे सभी उस समय के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पर महापुरुष विवेकानंद जी की जो प्रतिमा लगी है उस समय इसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था क्योंकि जो सपा की सरकार थी उनको ये हमारे जो महापुरुष हैं सिर्फ उनका ध्यान एक ही समाज की तरफ हमेशा रहा है तो उन्होंने इसमें बहुत व्यवधान डालने की कोशिश की और उस समय के तत्कालीन डीएम उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि ये प्रतिमा यहाँ पर ना लगे, मगर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से हम सबने मिलकर संघर्ष करा और यहाँ पर जब ये मूर्ति बनने गई और जिस अगले दिन इसका उद्घाटन था उस समय भी इस तरह के विषय आए कि रास्ते में रात में जब मूर्ति आ रही थी तो इसको रोकने का प्रयास करा गया, हरदम उनकी कोशिश थी, मगर उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर संघर्ष किया है और अपने महापुरुष की हमने ये मूर्ति लगाने में कामयाब हुए थे और हमेशा इस महानगर के डेवलपमेंट के लिए अभी डॉट साहब के प्रयास से भी जो हमारी एक मॉडल रोड पास हुई है ये गढ़ बस स्टैंड से लेके तेज गढ़ी चौराहे तक ये एक मॉडल रोड बन रही है और ऐसी
और कई सड़कें नगर निगम के माध्यम से परम सदैव मुख्यमंत्री जी के पास जा रही हैं। यहाँ की जो विशेषता होगी, यहाँ पर बराबर सड़कों पे बिल्कुल फुटपाथ होंगे और जो रोड बनेगी वो वाइट टॉपिंग रोड बनेगी, जो अभी जो यहाँ पर इंदौर और सूरत जैसे जो नंबर पहले दूसरे नंबर के शहर हैं उस तरह की रोड यहाँ पर बनने जा रही है। और जो इलेक्ट्रिक सिटी है उसके लिए हमारे डॉक्टर सुरेंद्र तोमर जी के प्रयास से वो इलेक्ट्रिक सिटी अंडरग्राउंड रहेगी, कोई बिजली के खंभे बिजली के तार दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे ऐसे नगर निगम के माध्यम से कार्यक्रम आ रहे हैं। 2-2.5 महीने जरूर लगे, इसमें सारी प्रक्रियाएं रुक गई थी, आचार संहिता लगी हुई थी, मगर अब दोबारा अपनी रफ्तार हम लोग पकड़ेंगे। DFO राजेश कुमार ने लोगों को कुछ इस तरह से जागरूक किया। जो हमारे आगे बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों और जितने भी NGO हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और जो काम करती रहती है, और प्यारे NCC के बच्चों और हमारे आपको जो दूर से आए हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट लेके, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरठ में आपने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम किया है जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको अवेयरनेस की एक्टिविटीज भी करनी है। मेरठ शहर में बहुत सारे समाजसेवी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सभी उनसे जुड़े भी रहते हैं। बस मेरी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर यही प्रोग्राम कल होता तो कैसा लगता, आप लोग यहाँ बैठने की स्थिति में नहीं हो पाते। अभी बैठ क्यों पा रहे हैं, क्योंकि नेचर ने आपको अलाउ किया है, थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा मौसम अच्छा है, एम आई राइट? मेरठ में गर्मी बहुत हो रही है ना, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नेचर से मिलता रहता है। अभी नेचर से छाया मिल रही है, कुछ ऑक्सीजन मिल रही है, कुछ हवा मिल रही है, कुछ अच्छा हमें वातावरण मिल रहा है। नेचर तो कुछ लेती नहीं है हम लोगों से, आप लोग कुछ काम करते हैं तो किसी से कुछ ना कुछ तो लेते होंगे। दोस्त के लिए कुछ काम करेंगे तो दोस्ती में उसका समय हमें चाहिए, बिना फ्री में तो कुछ नहीं हो रहा है ना, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन नेचर तो आपसे कुछ नहीं ले रही है भाई, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हम किसी को कुछ पेमेंट करते हैं नहीं करते, ये छाया मिल रही है इसको पैसे दे रहे हैं हम पेड़ को, या बदले में कुछ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हो? हाँ, वाटरिंग माली ज़रूर करते होंगे, उसकी थोड़ी शेप उसको अच्छे से कर देते होंगे क्योंकि उसका वो काम है, लेकिन उसके अलावा हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते। आपके घर में फल आते हैं, फल वगैरह कहीं ना कहीं से आते होंगे, आप उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन घर में आपके हाथ से जो पौधा लगा होगा, बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिनमें शहतूत का पेड़ लगा होगा, जिनमें अमरूद लगा होगा, जिसमें लीची लगा होगा, आम लगा होगा, क्या उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। आपके किसी पूर्वज ने लगाए होंगे या आपके किसी बड़े ने लगाए होंगे, हमारी पहली रो में सब वरिष्ठ नागरिकगण बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने पेड़ लगा चुके होंगे और उसके पेड़ का फायदा लोग ले रहे होंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा जो पीछे तक भी बैठे हुए हमारे वीर सम्राट जी तो यहाँ मौजूद हैं ही, ये अपने कार्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको एंटरटेन भी करेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम यहाँ से आज प्रण लेके जाएं कि हम कुछ ना कुछ नेचर के लिए करेंगे। केवल प्लांटेशन नहीं कि केवल एक पौधा लगा दिया, पौधा तो आपको लगाना ही है। इस प्रोग्राम में अगर आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आप एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, आप वादा करते हैं सभी लोग, इतना प्रॉमिस तो ले सकते हैं सबसे, हाथ उठा सकते हैं सब, मॉर्निंग का टाइम है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो आप सभी मेरे से वादा करेंगे कि आप एक पौधा अपने चॉइस का अच्छे से उठाएंगे। और मैं महापौर जी का भी बहुत स्वागत करता हूँ जो वो यहाँ पे पधार चुके हैं, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में मेरठ के जिन शख्सियतों का हाथ रहा उनसे भी फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने बात की, देखिए। मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ और आईसीरो जो संस्था जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसका मैं अध्यक्ष इलेक्ट हूँ, मतलब नेक्स्ट ईयर अध्यक्ष होगा मैं,
इसमें बेसिकली पर्यावरण को जाता हम समझते हैं, पर्यावरण के तीन पहलू हैं। पहला पहलू है पेड़ को लगाना, दूसरा है पेड़ की रख रखाव करना, उसको पालना, तीसरा है उसको ब्यूटीफाई करना। तो पेड़ को लगाना सबसे आसान कार्य है, उसका रख रखाव और उसका ब्यूटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल है। हमें इसको जो आज उद्देश्य है हमारा तो पूरा कार्यक्रम करने का, उसका रख रखाव कैसे बेहतर हो और उसको ब्यूटीफाई कैसे करें। तो हमें ब्यूटीफाई कैसे करना है, उसमें हम लोगों की जो संस्था है इसरे और आर्किटेक्ट एसोसिएशन, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए उसका योगदान देने के पूरी तरह तैयार है। तो उसी का पर्पज से हम लोगों ने ये मीटिंग रखी। तीसरा जो पार्ट है कि जो हवा है जैसे सांस लेते हैं वो कैसे बेटर हो, क्योंकि हवा में डस्ट पार्टिकल मिले हुए होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल को अगर हमें डाउन नीचे लाना है तो हमें फुहारे लगाने पड़ेंगे, फाउंटेन लगाने पड़ेंगे। फाउंटेन हमारे यहाँ पर लगे हुए तो है लेकिन वो चल नहीं रहे पानी के अभाव में, तो उस फाउंटेन से लगने से हमारे डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये फाउंटेन है अगर वो चालू हो जाते हैं तो यहाँ पर हवा की जो स्वच्छता है वो और बेटर हो जाएगी। तो एक तो उद्देश्य ये था। तीसरा इसमें जो उद्देश्य था कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी क्या है कि जो पानी है हमारा ग्राउंड वाटर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको यूटिलाइज ना करके हम जो नाले का पानी है, जो नाले नहीं है जो बेसिकली नहर है, इसको गलत वो कर दिया है कि ये भोले की जाल से लेके काली नदी तक कनेक्टेड है। तो पहले ये नहरें हुआ करती थी जो माइनर इरिगेशन के द्वारा संचालित होती थी, अब ये नगर निगम के द्वारा उसमें आ गई हैं, तो माइनर इरिगेशन हमने छोड़ दिया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि वो जो इरिगेशन की जो पद्धति है उसको अपनाते हुए यहाँ चेक डैम बने, और चेक डैम बन के वो जो उसका जो वो है जो उसका मलबा है जो फिल्ट है उसकी सफाई होती रहे, और पानी का जो उपयोग है वो सिंचाई के रूप में पार्कों में होता रहे जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो उसको टेक्नोलॉजी से हम उसे कर सकते हैं। हमारी संस्थाओं में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको बुलाकर हम उन पार्ट को दोबारा से उनके भारी टेक्नोलॉजी है उनको उपयोग करते हुए और उसे यूज कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हम लोग, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने यूज नहीं करी इसलिए उसको हम लोग उस पार्ट पे देख नहीं पा रहे हैं जिसे हम कर सकते हैं। तो उस माध्यम से भी हम इसको सूरजकुंड पार्क को आगे किस तरह से सुंदर हो, सुरक्षित हो, इसके पार्ट पे हम लोग काम करने का इच्छा रखते हैं। धन्यवाद। और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ हूँ। पर्यावरण का वर्ण हमारे DNA में है, और आप आरंभ से ही देखें, पौराणिक काल से देखें कि पर्यावरण के संबंध में चाहे वो नदी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो कुएं हो, उनकी सबकी रक्षा का दायित्व हमारे समाज का हुआ करता था। कालांतर में हम लोग परतंत्र हो गए, इस नाते सारी चीजें छिन्न भिन्न हो गई। एक बार आपको ध्यान होगा कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके लिए उस सम्मेलन के लिए पूरे विश्व में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया गया था कि पर्यावरण के संदर्भ में क्या चर्चा हो, कैसे हो, पृथ्वी का जीर्णोद्धार एक प्रकार से कैसे हो, इस बारे में पूरे विश्व में वो हमारा विश्व का जो विषय था वो गया था, जिसमें हम क्योंकि विश्व कल्याण की बातचीत करते हैं, हम सर्वभौम सुखिना की बात करते हैं, हम जीव जीरो की बात करते हैं, उसी संदर्भ में आप देखिए एक वृक्ष देखिए सदियों से खड़े खड़े हमें कुछ नहीं, हमें निरंतर वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ऐसी हम हरेक मनुष्य को बनना चाहिए कि हम बुराई चाहे उसकी दूसरे की अपने अंदर से मिट लें, लेकिन अच्छाई हम औरों को दें। आज के दिन मेरे इतना ही कहना है। मैं अमित गोयल ईश्वरी सोसाइटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ, और आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से आया था, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए हम सब लोग आज यहाँ खड़े हैं, बहुत ही बड़ा कॉज है। सूरजकुंड पार्क के लिए जो ईश्वरी सोसाइटी और बाकी सोसाइटी ने सोचा है उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अतः जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक स्प्रिंकलर सिस्टम भी हमने प्रपोज किया है जिसको जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा। धन्यवाद। आज पर्यावरण दिवस पर क्या कहना चाहिए? आज के इस पर्यावरण दिवस पर इसे
संस्था ने और मेरठ की अन्य सामाजिक संस्थाओं ने सूरज कुंड पार्क को एक तरह से गोद लिया है। इसके सुंदरीकरण के लिए, इसमें वृक्षारोपण के लिए और जो भी यहाँ की कमी है उन सबको पूरा करने के लिए ये सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं और इनके माध्यम से तथा नगर निगम के सहयोग से इस पार्क को एक सुंदर पार्क बनाने का संकल्प सभी सामाजिक संस्थाओं ने लिया है। मैं सभी सामाजिक संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ कि वो इसमें हमारे साथ हैं और हम इसको एक मॉडल पार्क के रूप में विकसित करना चाहेंगे। हेलो, हमारी आप पार्क आए पर्यावरण दिवस के सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, जनमानस को। ये बहुत ही शुभ दिन है, हमें बराबर ये पहल करते रहने चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी उपलक्ष्य में आज नगर निगम द्वारा ये बहुत बड़े रूप में इस कार्यक्रम को सुबह 6 बजे से चल रहा है और पर्यावरण से संबंधित सभी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। हमने भी पर्यावरण थीम के अनुसार सभी जनमानस को एक संदेश दिया, एक जागरूक दिया कि भाई अगर हमें जिंदा रहना है, हमें लंबे समय तक जीवन को यापन करना है तो अपने पेड़ पौधों को हमें बचा के रखना है, उनको सुरक्षित रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।